नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2007 का प्रश्न पत्र है। तो ये पेपर जो है 2007 में हुआ था, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और इसका आंसर की है जो है बीएड के द्वारा ही जारी किए गए आंसर की से ही बताया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसे सुधार सकें। तो फ्रेंड, प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य ज्ञान का। भारत में भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी सोलन, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्री है? ऑप्शन सी गंगूबाई हंगल। तो सी ऑप्शन राइट है, गंगूबाई हंगल। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो तीसरा चौथे का तीसरे का ऑप्शन है ए कृष्ण देव राय को। क्वेश्चन नंबर तीन है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर चार है, लियोनार्डो दा विंची किस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं? पुनर्जागरण की। क्वेश्चन नंबर पांच, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास विश्व विस्तृत शुष्क तट है। तो ऑप्शन सिक्स का ए राइट है, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। क्वेश्चन नंबर सात है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? सातवां का ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आठ, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? आठवां का बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग। मुद्रा स्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो नौवां का बी मुद्रा आपूर्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर दस है, नवजात शिशु को तीन टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए। तो इसमें है ऑप्शन बी कुकर, खांसी, टेटनेस और डिप्टीरिया सी, यानी बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। तो 11 का ए है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के पहला रजत पदक किसने जीता था? तो मेजर आर एस राठौर ने। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? इराक में। तो इराक में है सिया मुसलमानों का प्रसिद्ध नगर करबला। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है धन्वंतरी, यानी सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूटान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश को यूरोप का काकपिट कहा जाता है? तो 16 का राइट ऑप्शन है ए बेल्जियम। दौड़चार पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो 17 का राइट ऑप्शन है सी 3 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? 18 का राइट ऑप्शन है सी कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? तो खपत को। क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? यह आयुट थायराइड ग्रंथियों को कम को के काम को नियंत्रित करता है। आयोडीन जो है यह आयु यानी थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिखों द्वारा 1 सितंबर 2004 को मनाया गया प्रकाश उत्सव किस घटना के 400 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो 21 का सी है, स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब के प्रतिष्ठान के स्थापना के उपलक्ष्य में।
21 का सी, भारत में किस शहर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? तो 22 का डी है, गुंटूर में। सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा? 23 का बी, राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा है? 24 का सी है, भवभूति ने। भूत तैलयन की कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया है? 25 का ए, एडविन हुबल, एडविन पी हुबल ने। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता माना जाते हैं? तो अपोलो देवता है शांति के देवता है अपोलो। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम क्या था? तो इसका नाम था 27 का डी, अपोलो। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल अपोलो था। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? 28 का यह भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है। 29 का है, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? 29 का बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलंबिया नाम था। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जयदेव। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो 32 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। 33 का सी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नील आकाश दिखाई देता है किस कलर का? तो 34 का हो जाएगा डी, यानी काला दिखाई देता है। और मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? 35 का सी, तमिलनाडु में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? 36 का सी, सवाना कहते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तलमंडी। निम्नलिखित तलवंडी और निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? तो 38 का राइट ऑप्शन डी है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका गलत बता दिया है, अलिखित। तो यहाँ पे आंसर भारत नहीं होगा, जो कि दिया गया जैसा बीएड का आंसर के अनुसार यहाँ पे होगा यूके, इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। वहां पे क्या है कि जिसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जो कि कई द्वीपों से मिलकर बना है, कई द्वीप से। तो यहाँ पर पहले से बने कुछ एक्ट को आधार मानकर शासन किया जाता है, इन्हीं लिखित नियमों को ही यहाँ पे संविधान कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यहाँ पे। 39 है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महासागरी धाराओं का नहीं पड़ता है। गांधी जी को प्रमाणित करने वाली पुस्तक अनु टू द लास्ट का लेखक कौन है? तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएंगे बी, जॉन रॉस्किन। रेखांश की प्रत्येक डिग्री किसी जगह के स्थानीय मान में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो 41 का बी, 4 मिनट का, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी दिल्ली में लाल किला दीवाने आम में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास संस्थापक सदस्य थे? तो 43 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वराज पार्टी की थी। निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 44 का उस समय के हिसाब से ए है, कनाडा। निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन के। 45 का डी, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? 46 का बी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान अपनाया गया था? 47 का सी, 26 नवंबर 1949। थॉमस कप किससे संबंधित है? 48 का ए, बैडमिंटन। एमआरआई का पूरा रूप क्या है? 49 का बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है? तो 50 का सी, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? 51 का सी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? 52 का सी है, रोलेट एक्ट कानून बना था, 52 का सी। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने की व्यवस्था की गई थी? 53 का सी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 54, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड हॉल्डिंग। तो लॉर्ड हॉल्डिंग के समय लाया गया था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? 55 का डी है, वातापी। निम्नलिखित में किस वेद से अष्टोमा सद्गम लिया गया है? तो 56 का राइट ऑप्शन है डी, ऋग्वेद से। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? 57 का सी है, कुशासन के आधार पे। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 58 का सी है, हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पलायन से। निम्नलिखित में कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था? 59 का सी, चोल वंश नहीं था, इसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ही थे। बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? 60 का बी, यानी मिलिंद पन्हों से। मिलिंद पन्हों से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 61 का राइट ऑप्शन सी है, चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 62, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया? 62 का सी है, सती प्रथा के। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 63 का सी है, जेपी कृपलानी, झंडा समिति के थे। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, असहयोग आंदोलन वापसी के संबंध में यह विचार कथन किसका था? तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस का था। क्वेश्चन नंबर 65 है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? 65 का बी है, कुक्कुट से। कुक्कुट। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म कहाँ स्थित है? NAARM। तो 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। भोपाल गैस दुर्घटना किसके रिसाव से हुआ था? भोपाल वाला। तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? तो 68 का राइट ऑप्शन होगा बी, कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो 69 का है डी, यानी कि वित्तीय संस्थाओं का नियमन। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाता है? तो 70 का बी, अनुपातिक कर। मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? 71 का बी है, आय। और रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस एक नगर में किया जाता है? 72 का है सी, भोपाल में। निम्नलिखित में से लौंग का कटोरा किसे कहा जाता है? 73 का ए है, जंजीबार एवं पेम्बा को। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, होन्सू। होन्सू जापान का विशालतम द्वीप है। विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? 75 का ए है, अनुच्छेद 14। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 76 का है बी, पूर्व सोवियत संघ रूस। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुच्छेद 39 का में वर्णित सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश तथ्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 42वीं, यानी कि 39 का में और सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता जो है 42वीं में है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? 78 का ए है, जापान। सू नहर किसको जोड़ती है? 79 का है बी, 79 का ये गलत दिया है, सू नहर किसे जोड़ती है पूछा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सुप्रियन को हारून झील से जोड़ती है, सुप्रियन को हारून झील से जोड़ती है। निम्नलिखित में किसे भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा जो डेल्टा बनाती है, 80 का राइट ऑप्शन गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधान शाला स्थिर है? 81 का बी है,
जादूगुड़ा यानी झारखंड में। निम्नलिखित में किसको स्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो 82 का भी यानी यातायात को नहीं शामिल करते हैं। भारत में किसको अस्थापना में शामिल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रा है, 83 का है, कौन सा मुद्रा है, तो इसमें हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है 84 का सी प्रोटीन से। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब की स्थिर होती है, निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है स्थिति, तो यहाँ पे 85 का सी है रेटना के आगे। निम्नलिखित में किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो 86 का राइट ऑप्शन सी मंडल को कहा जाता है। अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यूकेलिप्टस। कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास 88 का सी रिजर्व बैंक की अनुमति हो। क्वेश्चन नंबर 89 है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण किसके पास होता है, 89 का है सी सेबी के पास। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, 90 का बी विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, 91 का सी अनुच्छेद 15। भारत के किस शहर में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है, तो 92 का डी उत्तर प्रदेश। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए रुद्रदामन। अमेरिका के युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ, 94 का ए दास प्रथा का। क्वेश्चन नंबर 95, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो 95 का बी नरगिस दत्त। 95 का बी रामानुजाचार किससे संबंधित हैं, 96 का सी विशिष्ट द्वैतवाद। ईसाइयों में गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, 97 का सी ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। और भारतीय भारत के चर्चित खिलाड़ी सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं, 98 का सी टेनिस से। जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने वाले मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस खेल से संबंधित थे, तो ये थे हॉकी से बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 100 है, फलवान शब्द किससे संबंधित है, तो 100 का हो जाएगा डी, इनमें से किसी नहीं, क्रिकेट से है ये। खंडवा ये है हिंदी से। झांसी की रानी कविता में रस है, वीर रस है। कनक कनक तिसगुनी मत काता अधिकार या खाय बोरा जग पाय बोरा में कौन सा अलंकार है, तो दूसरा का भी एमक। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है, तो डी अनुप्रास है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल में लाली का अर्थ क्या है, चौथा है लाल रंग। भोला का विलोम क्या है, पांचवा है पी चला। छठा है साकार का विलोम है सी निराकार। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, सातवां का बी अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विज का पर्यायवाची नहीं है, ए दिनकर का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है, नौ का डी है प्रभाकर। हिमांशु का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है, 10 का डी सुधांशु। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली है, 11 का ए वीर प्रसूता। हिंदी विकास में बाधक है, तो 12 का सी है सरकार की उपेक्षा, उपेक्षा ही बाधक है। नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है, 13 का सी है गुजराती। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, 14 का डी है मातृभाषा में। 15 है खड़ी बोली का विकास हुआ है, तो 15 का बी आधुनिक काल में। 16 है राम भक्ति विषय सबसे अच्छी कविता करने वाला कवि कौन है, तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी तुलसीदास जी। साकेत के रचनाकार है, 17 का राइट ऑप्शन है ए मैथिली सरल गुप्त जी। आनंद मठ के रचयिता कौन है, 18 का दी बंकिम चंद चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल किसकी रचना है,
19 का राइट ऑप्शन है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, उसने कहा था कि लेखक हैं। तो 20 का डी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भारत में क्या नहीं है? तो विदेशी भाषा नहीं है। इसमें अपठित गद्यांश है जो कि वर्तमान धार्मिक सामाजिक तथा आर्थिक सांप्रदायिकता देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती दृष्टिगोचर हो रही है, और इसने देश के दुश्मन का रूप धारण कर लिया है। एक नहीं दो नहीं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो भारत को अन्न खा करके भी देश के अहित के बारे में सोचते हैं, उनकी देशभक्ति मात्र दिखाने की होती है। ऐसे लोगों को विदेशों से करोड़ों रुपये की सहायता मिलती है और इसका प्रयोग देश की आंतरिक व्यवस्था को डबल रोल करने में किया जाता है। इन भीतरी दुश्मनों के कारण देश की स्थिति का यह हाल है कि यदि दुर्भाग्यवश पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो ये जयचंद हमारे शत्रु को यहाँ की गुप्त रहस्य बताने के अतिरिक्त तोड़फोड़ एवं हिंसा के कारों में लगकर देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने में भी नहीं हिचकाएंगे। तो ये पैराग्राफ दिया है जिसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो ये संप्रदाय के प्रति घृणा करते जाते हैं तो इसके तो इस क्षेत्र का विकास वो दिखाई पड़ता था। कोई भी जन भला मानस आज इसके पक्ष में नहीं है, सभी किसी न किसी रूप में इसे बहुधा कोसते हैं। जिस प्रकार बीमारी का असली रूप और उसके मुख्य लक्षणों को बिना जाने से उपचार नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार संप्रदायिकता का सही रूप तथा कारणों को समझे बिना नहीं कुछ कहा जा सकता। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमें देशभक्ति की प्रसुद्ध भावनाओं को पुनः जागृत करना होगा जिससे बलिदानों से प्राप्त हुई आज़ादी व राष्ट्र के अखंडता को दृढ़ दृढ़ता के साथ स्थिर रखा जा सके। तो इसमें से ऑप्शन में पढ़ करके क्वेश्चन ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो 22 का डी है धार्मिक उन्माद। वर्तमान में कौन सी सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर है? तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तीनों हैं धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 24, देश में दुश्मनी के रूप किसने धारण कर लिया है? तो सांप्रदायिक तत्वों ने। जिसका सबसे अधिक खतरा है इससे। 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि अपने देश के जयचंदों से। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश के भीतर दुश्मन युद्ध व संघर्ष की दशा में क्या करते हैं? डी शत्रु को गुप्त रहस्य बताएंगे। जो जो लोग सांप्रदायिकता से घृणा करते हैं। 27 का ए हो जाएगा, तो इस क्षेत्र का विकास तो इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, तो इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? तो 28 का सी, इसके मूल कारणों का पता लगाना होगा। आज सांप्रदायिकता के पक्ष में। 29 का ए है, संसार में कोई भी भला व्यक्ति नहीं है, लेखक का दबी हुई आग से अर्थ है। तो 30 का ए है देशभक्ति की भावना से। 30 का ए, हमारी आज़ादी स्थिर रह सकती है यदि देश प्रेम की भावना हो। किस शब्द में आपका अर्थ बुरा नहीं है? तो 32 का डी है अपनाना में। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है? तो 33 का सी, स्नान घर हिंदी भाषा का शब्द है, स्नान घर। निम्नलिखित युगल शब्दों में से सार्थक का के साथ निरर्थक शब्द नहीं है? तो 34 का डी, उठना बैठना। संयुक्त व्यंजन नहीं है। 35 का डी, छ नहीं है संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तनी संबंधी दोष के निवारण के लिए क्या करना होगा? तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अध्यापक का उच्चारण शुद्ध हो, छात्रों को श्रुतलेख कराया जाए, लिखित कार्य का सावधानी के साथ संशोधन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यार्थियों में उच्चारण दोष का कारण है? तो 37 का राइट ऑप्शन है डी, प्रयत्न लाघव बलाघात, उच्चाराभ्यास में कमी यानी कि सभी है। 38 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें वी उपसर्ग नहीं है? तो 38 का राइट ऑप्शन है बी, बिटप में। निम्नलिखित शब्दों में किसमें अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन डी, यमक में अक अक प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी का है? तो 40 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यालय। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करिए। तो 41 का राइट ऑप्शन बी है, कवित्री यानी बी वाला ऑप्शन सही है। 42 का बी, उज्ज्वल ये वाला सही है। और 43 का सही है ए यानी किंकिंग कर्तव्यूण में, ये सही है कि कर्तव्य मूढ़। और 44 में बी यानी कि कंटका कील, ये सही है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है,
कौन सा सही होगा इसमें? तो 45 का राइट ऑप्शन ए अन्योन श्रित ये सही होगा, 46 में बी वाला साष्टांग ये सही होगा, 47 का सी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ये सही होगा, 48 का ए सामग्री इसमें ये सही होगा, और 49 का ए अनन्य ये सही होगा, और जबकि 50 वाले में ऑप्शन में क्या सही होगा, तो 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यानी कि बी प्रत्युपन्मति ये सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 51 का ए पर्याय, क्वेश्चन 52 में जो है निम्नलिखित में तत्सम, तो पलंग का तत्सम जहाँ पर्यंक होगा वहीं निम्नलिखित में तत्सम रूप कौन सा है इसको पहचान करना है, तो लज्जा यहाँ पे तत्सम रूप है 52 का ए। 53 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं, तो 53 में ए वाला व्याह यानी तद्भव शब्द है, बाकी उत्साह कुंजर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि उपवास यानी कि 54 में कौन सा है तद्भव, तो यहाँ पे उपवास अवगुण अवतार अमी में कौन सा होगा, तो 54 का राइट ऑप्शन डी यानी अमी होगा, अमी होगा यहाँ पे क्या तद्भव। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो 55 का राइट ऑप्शन ए अक्षर जो है तत्सम है, जबकि 56 में पसाड़ जो है यहाँ ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें क्या क्या होगा, तो 57 का डी होगा यानी लक्ष्मी ये यहाँ पे तत्सम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 है कि वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है, तो 58 में क्या भरा जाएगा, ए राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी यानी यहाँ पे ए भरा जाएगा, 59 है देश की सी देश की, तो 59 में कौन सा ऑप्शन आएगा सही, एकता यानी बी ऑप्शन एकता बनाए रखने की प्रथम दायित्व हमारा है। क्वेश्चन नंबर 60 में आएगा डी विचलित, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 61 में आएगा बी दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का धर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को यानी 62 में ए भरा जाएगा शिक्षित होना चाहिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए, जागृत होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए, तो यहाँ पे शिक्षित होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे यही सही रहेगा शिक्षित ही। 53 है सभी धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ होता है, 53 का ए मानव धर्म सबका भला चाहने वाला होता है, तो 64 का भी संत होता है, हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं, 65 का भी हस्तलेखन जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके तो इसको बोलते हैं 66 का भी दुसाध्य। मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या है, 67 का ए मूर्ख होना। तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होगा, 68 का राइट ऑप्शन ए होगा, दोषी कोई पर दोष किसी को, 68 का ए होगा, और 67 का क्या होगा, मिट्टी का माधो का अर्थ होगा मूर्ख, मिट्टी के माधो का क्या अर्थ होगा, 67 का ए मूर्ख होगा, तबला वाले में क्या होगा यहाँ पे दोषी कोई और दोष किसी को, यहाँ भी ए ही होगा यानी कि 67 में ए और 68 में भी ए। क्वेश्चन नंबर 69 भारत पाकिस्तान के युद्ध में सेना ने क्या कर दिए, 69 का ए हाथ दिखाएं। अब यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, तो 70 का बी पौधन अका पावका का यही होगा संधि विच्छेद सही, और मनोहरा का हो जाएगा मनोहर का किसी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा मनाधन हर। क्वेश्चन नंबर 72 है वयोवृद्ध का जाएगा वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध में क्वेश्चन नंबर 72 का ए वयाधन वृद्ध यानी यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। 73 है परिच्छेद में, तो 73 का राइट ऑप्शन परिधन छेद हो जाएगा, और 74 नंबर का क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, शुभागमन में दीर्घ संधि होगा दीर्घ संधि। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से हिंदी की विशिष्ट संधि है, तो गजानन, 75 का ऑप्शन सी
गजानन विशिष्ट संधि है। निम्नलिखित में किस शब्द में आ धन ई की गुण संधि छिपी हुई है? 76 का डी रमेश में। क्वेश्चन नंबर 77, सन्मार्ग में संधि है तो सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या सही हो जाएगा? ए निम्नलिखित में कौन सा बहुविधि समाज है? तो राज काज यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुविधि समाज है, समास है, बहुवीर समास है। क्वेश्चन नंबर 79 में, तो क्वेश्चन नंबर 74 में जहाँ सही है शुभागमन में दीर्घ, और 75 वाले में सही है सी गजानन। वहीं निम्नलिखित में किस शब्द में आ धन ई की गुण संधि छिपी हुई है? तो 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रमेश, यानी डी ऑप्शन। और सन्मार्ग में संधि है, 77 का क्वेश्चन हो जाएगा डी व्यंजन संधि है, यानी यहाँ व्यंजन संधि होगा। 78 निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए राजकाज, बहुव्रीहि समास है। 79 है आपका कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा? 80 का बी दही का बड़ा। नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह होगा तो 81 का डी नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास नहीं है? तो 82 का डी पाप और पूर्ण। निम्नलिखित में द्विगु समास नहीं है? तो 83 का डी पीताम्बर, द्विगु समास नहीं है। आधी की आम का अर्थ क्या होगा? 84 का डी सामायिक लाभ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होगा? 86 का बी मुसीबत पर मुसीबत पड़ना। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या है? 87 का बी सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, कुएं में भांग पड़ना 87 का बी है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। 88 का सी जो किसी नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? उच्छृंखल, यानी कि ऑप्शन नंबर 88 का क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ आंसर की गलत है, उस श्रृंखला नहीं होना चाहिए जो किसी नियम का पालन ना करे उसे अनुशासनहीन कहते हैं। जो पुरुष के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? 89 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी स्थावर। 89 का सी पौरुष, जो पुरुष के अनुरूप हो उसे पौरुष कहते हैं। हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला स्त्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ऊपर वाले ने भी देखिए गलत आंसर दिया है यहाँ पे। 89 का जो होगा जो पुरुषों के अनुरूप उसे पुरुषोचित कहते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे कि 88 होगा जो किसी नियम का पालन न करे तो अनुशासन ही होगा, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे पुरुषोचित कहते हैं, हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला स्थावर कहते हैं। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से आंसर की गलत छपा है, या फिर उसे जो जारी किया वही आंसर है। हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला स्थावर सिर से पैर तक का क्या बोलते हैं? 91 का ए आपाद मस्तक, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। निम्नलिखित में सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है? तो 93 का ए मैं जाते जाते रुक गया। और 94 में सबसे अच्छा क्या होगा? तो यहाँ पे रोको मत उसे जाने दो। और 95 में क्या हो जाएगा यही चीज में सबसे अच्छा? तो इसमें 95 का ए है रात 10 बजे गाड़ी आएगी, यानी कि ये है निम्नलिखित में सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, और इसमें शुद्धतम भी छाटना था तो 95 का ए हो गया। और 96 में क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा ए संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ए हिंदी के विकास के तीन मुख्य तीन काल हैं केवल। और क्वेश्चन नंबर 99, छात्र द्वारा अवकाश के प्रार्थना पत्र के अंत में लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? बी आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्वेश्चन नंबर 100 का सी राइट हो जाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, ये राइट है। तो ये था बीएड से संबंधित समान हिंदी और समान ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रीवियस प्रश्न पत्र। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सभी पेपर इस पे प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। जय।